बिहार में चुनावी जंग जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की समाप्ति के साथ चार सीटों पर वोट प्रतिशत कुछ खास देखने को नहीं मिला। करीब 51% वोटिंग हुई। अब बारी है दूसरे चरण की, जो कि 18 अप्रैल को 97 सीटों पर होना है, जिसमें बिहार की 5 सीटें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका शामिल होंगे। कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बनती नजर आ रही है। सीटों का समीकरण देखें तो कटिहार संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2-2 बीजेपी कांग्रेस, 1 आरजेडी और 1 पर सीपीआई ने 2015 में जीत दर्ज की थी। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, कटिहार कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर का गढ़ भी यही है। ऐसे में वो पूरे दमखम के साथ जनता के बीच खड़े हैं। बता दें कि तारिक पिछली बार एनसीपी के साथ सीट पर काबिज हुए थे और इस बार वो कांग्रेस की ओर से दाव खेल रहे हैं। राष्ट्रीय चुनाव है, देश का चुनाव है, ये किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। और जो देश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों के बीच में जो नफरत और घृणा की राजनीति चल रही है, जो सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, और उसके साथ साथ जो 5 साल जो जुमलेबाजी की सरकार रही है, जिसने नौजवानों को, किसानों को काले धन लाने का जो वादा किया और विकास की बड़ी बड़ी बातें कही, तो ये सब लोग इस बात को आंकेंगे कि 5 साल में इस सरकार ने अपना कौन सा वादा पूरा किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको ये वो मतदाताओं के पास जाकर ये बताए कि हमारी ये 5 साल की उपलब्धि। सर, टक्कर किससे होगी? जाहिर है, दो गठबंधन है, देश के सामने दो विचारधारा है और पूरे देश में इन्हीं दो विचारधारा पर चुनाव होगा। एक वो है जो गांधी की विरासत को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग हैं, महागठबंधन है, और एक तरफ वो लोग हैं जो देश के अंदर एक एनार्की पैदा करना चाहते हैं, देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक खिलाफ के। वहीं बीजेपी ने भी कटिहार सीट पर पकड़ बनाने के लिए जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी को मैदान में उतारा है। हालांकि दुलाल कटिहार के बलरामपुर विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो भी अपना पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं। जो 18 तारीख को जो चुनाव होगा 18 अप्रैल को, उसको सब मिलकर के हम लोग सफल करेंगे। और जो ये कटिहार लोकसभा सीट है, इस सीट को जीत करके जो है एनडीए की झोली में। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो देश में काम किया है और जो विकास के काम हुआ है, तो उससे हम लोग से तो ज्यादा जनता उत्साहित है वोट देने के लिए। वोट का दिन तारीख आने दीजिए। एनसीपी ने यहां अल्पसंख्यक कार्ड खेला है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। एनसीपी प्रत्याशी शकूर आलम किसानों के मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देंगे। क्या होगा चुनाव में मुद्दा हमारा है कटाव को रोकना। 3 नदियों के बीच में कटिहार के लोग बसते हैं और उस कटाव से यहाँ के लोग विस्थापित होते हैं, काफी परेशान होते हैं, घर उजड़ जाता है। इसलिए पहला मुद्दा होगा गंगा कटाव, कोसी कटाव, महानदा कटाव को रोकवाने की व्यवस्था करूँगा। तारिक अनवर के काफी करीबी कहे जाने वाले मोहम्मद शकूर आलम कांग्रेस की जीत की राह में कांटे का काम करेंगे। कटिहार लोकसभा सीट से कुल 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। टक्कर भी कटिहार में जोरदार रहेगी। बहरहाल जीत किसकी होती है, ये तो आने वाली 23 मई को ही पता चलेगा। कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।